हम तो बैठे बैठे ऐसे काम करते हैं। आ जाओ भाई, तो इसमें हम लोग रूट में पढ़ रहे थे, कल क्लास इसका वन पढ़े थे ना भाई, कल क्या पढ़े थे क्लास वन, और आज पढ़ेंगे क्लास टू रूट में, याद है ना कल वाला सारा बात। बंद मत करो, खुला रहने दो, क्योंकि हम लोग को देखते रहते ना, हमारा आदत है झांकने कैसे। जैसे बताए थे x प्लस, ऐसे बताया था ना भाई, बोलिए याद है सभी लोगों को, बताए थे अंडर रूट फोर एक्स प्लस वन, बाहर प्लस वन और बाई, पहला क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग पढ़े एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस, ऐसे करके रूट फोर एक्स प्लस वन बाहर माइनस वन बाई टू, क्लियर हो गया। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था एक्स एक्स एक्स, ऐसे करके, तो इसके आंसर क्या होगा। चौथा बताए थे कि एक्स एक्स एक्स, ठीक है ना, तो एक्स के पावर टू के पावर एन माइनस वन बटा टू के पावर, क्लियर हो गया। इसके बाद पांचवा बताए होंगे आप लोग को याद होगा, तो एक्स प्लस, कल बताए थे एक्स माइनस एक्स प्लस, इसका क्या बताए थे अंडर रूट फोर एक्स माइनस थ्री, ठीक है बहुत बढ़िया। इसके बाद बताए थे एक्स माइनस एक्स प्लस, ऐसे करके होगा भाई, तो अंडर रूट फोर एक्स माइनस थ्री माइनस वन, सारा कल पढ़ा दिया, ठीक है जी। हाँ, जो भी होगा इसको बढ़िया से याद कर लेना, जैसे मैं बिना देखे लिखा वैसे ही आपको भी। अब आइए, अब रूट के नेक्स्ट टाइप पर चलते भाई, लिखो जल्दी, टाइम से आना चाहिए ना, बताओ। तो पढ़ा के कर लो। मिटा तू किताबुद्दीन लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, नहीं मैं उनको कहा, हो गया लिख लिए। हल्ला मत करो, लड़का को डिस्टर्ब हो रहा है, आंख घुमा रहा है इधर उधर। कितना टाइम लोगे, मटा दूं भाई, हेलो लिख लो, हो गया सभी लोगों का, हो गया ठीक। ये समझ में नहीं आएगा अगर कॉल नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, फॉर्मूला उतार के, ठीक है जी। सीधी सीधी बात, अच्छा ये फॉर्मूला का यूज है, हम दो लास्ट के छोड़ के सब तो ट्रिक से था। आ जाओ भाई, अब इसमें क्वेश्चन जैसा बनता है, सेवन प्लस टू रूट टेन, और इस पर रूट लगा रहेगा और इसका वैल्यू पूछेगा, सेवन प्लस टू रूट टेन, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे भाई। तो इसका दो पॉइंट मैंने बताया था, है ना, एक तो बताया था एक्स मानकर और एक बताया था आपको ट्रिक से तोड़ना, लेकिन लास्ट में बताया था तीसरा टाइप, तीसरा कंसेप्ट जिसमें ऑप्शन से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि रूट पढ़ रहे हैं तो पूरा रूट आज कंप्लीट कर दूंगा आज की क्लास में। देखो तो हम लोग को क्या करना है कि यहां से दो भूल जाना है, ठीक है ना, दस को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर तो सात हो, गुणा करने पर दस, दो और प्लस है तो प्लस लगा दो और रूट लगा दो, यही आंसर, ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। जैसे दूसरा पॉइंट है एट प्लस दो रूट पंद्रह, एट प्लस दो रूट पंद्रह, तो आप लोगों को पता चल गया होगा दो भूल जाना है, पंद्रह को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर आठ गुणा करने पंद्रह तीन और रूट है तो प्लस है तो आंसर। तो ये बताया था कि कभी भी सल्व करने का ऐसा मौका है, लेकिन जब पेपर में जब भी आता है वो ऑप्शन से आता है, तो इस तरीका को भी भूल जाना है। एक तरीका और बता रहा हूं जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो,
चलो आइए, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा है 7 + 2√10, ठीक है जी, बात को समझिएगा। अब यहां पर ऑप्शन ए इसी को चलो डी में मानेंगे इसको, ये वाला तरीका लास्ट याद रखना, ये आसान है लेकिन इससे भी आसान है। तो जैसे ऑप्शन को हम लास्ट में रख देते जो इसका आंसर है, राइट, हम लोग ऑप्शन से करेंगे, इससे क्या होगा कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा हम लोग तोड़ देंगे, है ना। तो ये तो डी हो गया, अब तीन ऑप्शन कैसे बनाओगे, अपने मर्जी से कुछ भी बनाया जाए, बताओ क्या क्या बनाना चाहोगे। एक तो बनाया जाए √2 - √5 बनाया जाएगा ना, ये बनाना चाहिए इससे रिलेटेड। उसके बाद और क्या बनाना चाहिए बताओ, √4 कहीं देखी हो, √2 + √3 और बताओ, √2 - √3। देखो भाई ये चार ऑप्शन है, ये इनका ट्रिक लगाया 7 करना है ना, ये चार ये फंसा दे कोई ना आया सक। इधर देखो तो करना क्या है, सबसे पहले ऐसे करना है, ऐसे जल्दी होगा, ठीक है ना, ये पूरा एकदम दांती पद्धति एकदम, मतलब बस एकदम माने एकदम वही ऑप्शन, यहां प्लस है तो माइनस वाला काट देना है, तो पहले ये आसान पड़ जाएगा। दो तो खत्म हो गया, यह हम लोग को आंसर पता है लेकिन इस पर लास्ट में आना है। अब एक मिला है इसको, तो इनका कहना है कि पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है जी, हर जगह कहीं भी चेक करोगे तो पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर अगर ये आ गया वही आंसर हो जाता है हर जगह, लेकिन इसके आंसर तो इन्होंने दिया है ऑप्शन। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर कितना, तो 4 × 3 कितना हो गया 7। गुणा करने पर यह आनी चाहिए, गुणा करने पर क्या आनी चाहिए ब्रेकेट में 10। अब गुणा करके दिखाना, बोलो 2 में √3 से करोगे क्या आ रहा है बताना, ना बैठ रहा। और इधर देखो 2 × 5 कितना हो गया 7 हो गया। तो यही मतलब ये भी नहीं लगता डायरेक्ट एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन ये इसने दिमाग लगाया उसके बाद कह रहा हूं, मतलब क्या होगा यहां पर 2 तो छिपा रहता है, ये रूट वाला होनी चाहिए, ये रूट वाला होनी। अभी जैसे अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दिखाऊंगा बस आपको, जैसे 2 का स्क्वायर यहां भी 2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यहां भी √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 2 और 5 कितना हो गया 7, लेकिन 2 × 5 कितना हो गया 10, तो ये 10 आ गया आंसर हो गया। और इसका देखोगे तो आएगा ही नहीं, ये तो 2√3 आ रहा है। तो जितना क्वेश्चन होगा हम लोग क्या करेंगे आज के बाद ऑप्शन से करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, एक क्वेश्चन है, एक क्या सारा दिखाऊंगा और आपको देखना नहीं है। जैसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा x = ऐसे देगा, चलो नाटक क्या करूं सीधे आ जाओ, 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट, ऐसे मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं। अगर ये नहीं लगा रहेगा रूट तो कहेगा वर्गमूल निकाले, वर्गमूल मतलब ही स्क्वायर रूट होता है। ट्रिक सुन लो, 4 कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए, कहीं भी किसी भी चौक चौराहेगा क्वेश्चन हो, ट्रिक यही लगाना। जैसे सबसे पहले दिया है 2 + √3, दूसरा दिया है 2 - √3, बढ़िया समझना, उसके बाद दिया है 2 + √2, उसके बाद दिया है 2 + √5, क्लियर हो गया। देखो हमें पता है इसके आंसर है, मेरे को तो याद है, लेकिन आपको पहले नीचे देखना है क्यों कटेगा, तब तो आंसर पर बाद में जिक्र करना है। ये प्लस है तो माइनस वाला काट दो बस, अब माइनस वाला कितना है 1, और पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर ये आनी चाहिए, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 = 6 खत्म हो गया ऐसे, 2 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, 4 × 5 = 9 खत्म हो गया, ठीक है जी। अब सुनो, अब इधर है 2 का स्क्वायर कितना हो गया और √3 का स्क्वायर कितना होता, तो 4 × 3 कितना हो गया 7, और दूसरा भी पोजीशन है, ऐसे प्रूव नहीं करना होता, लेकिन अगर करने की इच्छा हो तो देखो 2 में √3 से गुणा करो 2√3 होता है, तो ये √3 वाला आ गया, 1 2 यहां पर कम होता है, क्योंकि 2 समय से क्या होता है जब a + b² करोगे तो 2 माने 1 2 यहां पर कम आएगा, माने 2 से भाग ऐसी संख्या यहां पर गुणा करने पाएगा कि जो यहां 2 से भाग देने के बाद मिलता है। जब इसमें 2 से भाग दोगे तो क्या होगा 2√3 होगा कि नहीं होगा, 2√3 होगा कि नहीं होगा, बस 2 से भाग देने वाली संख्या आएगी, इस बात को ध्यान रखना। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें खाली क्या करना है पहला का स्क्वायर और प्लस, तो पहला का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया और √3 का स्क्वायर कितना,
चार तीन कितना होगा सात। अगर प्रूव्ड करना हो आगे तो फिर आप पढ़ो। इसका अर्थ ये होता है, मैं समझा देता हूं इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे टू प्लस रूट थ्री है ना, ये तो वर्गमूल है। जब इसका वर्ग करोगे, जैसे हम 49 लिख दे तो इसका वर्गमूल कितना होगा, और सात का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 49। तो उसी तरीके से जब ए प्लस बी द होल स्क्वायर तोड़ोगे, फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सुने होंगे भारत में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए स्क्वायर मतलब बताओ कितना लिखो, रूट थ्री के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी, ये ध्यान रखना। तो कितना होगा सात प्लस चार रूट थ्री, आ गया कि नहीं आ गया। इसका अर्थ यही होता है, इसका जो अर्थ होता है। तो कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है, ये नहीं करना, ये तो मैंने डॉक्टर ही बना दिया मैं तो, ठीक है ना। यहां भी मैं बना सकता था बिना ऑप्शन का, ठीक है ना, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। कोई बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ना तो तुम कंफ्यूज हो, कैसे बनाओगे, चार रूट थ्री है, चार रूट थ्री, इसी को देखना है। हमने यहां से दो भूल गया था, तो यहां से दो भूल जाओ तो बचेगा कितना, तो दो, तो दो और एक क्या बचेगा, रूट थ्री, रूट थ्री बचेगा, प्लस है प्लस आंसर, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन आगे चल के जब बड़ा क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन से थोड़ा सा, क्योंकि हम तो कर देंगे लेकिन आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी। तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे ही कर दो, जैसे कुछ भी, जैसे मैं बोले, जैसे मैंने कहा 19 प्लस 8 रूट 3, तो पहले दो से यहां भाग देना है, दो से भाग दो आठ में कितना बचेगा चार, तो एक चार बचा और एक क्या बचा आंसर डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ट्रिक तो पूरा बढ़िया है, लेकिन होता क्या कि जितना बड़े बड़े क्वेश्चन होगा तो कहीं, लेकिन आप सीधा ऑप्शन से क्या करोगे, चार के स्क्वायर 16, रूट थ्री के स्क्वायर 3, 16 और 3 कितना होगा 19, और गुना करोगे चार रूट थ्री, क्योंकि एक दो तो कम आएगा, दो से भाग देने वाला मैंने पहले बता दिया था। तो कहीं भी ऑप्शन हम क्या कर देंगे, इसको बहुत जल्दी ला सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था भाई, ये था, ए था। नोट कर लो, इस पर और क्वेश्चन दे रहा हूं, 10 क्वेश्चन सिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। कौन सा यूज, हाँ नहीं, ये वाला नहीं करेंगे, इसको बिना ऑप्शन के सिखाया था, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन से इसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन हमने ऑप्शन नहीं दिया, ये अपने मर्जी से दिया, यहां से सवाल करना है ना, यहां पर मैंने मजाक किया था। ओके हाँ, अच्छा पढ़ाने का तीन दिक्कत होती है ना, ठीक है जी, ध्यान रखना भाई। हाँ, एक तो परेशान रहो, ठीक है, पहला सबसे ज्यादा दिक्कत है। यहां पर सबसे पहले ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, किसमें ऑप्शन से करना है, ठीक है जी। हाँ, उसका भी, उसका ऑप्शन वो अपने मर्जी से देते, ऑप्शन नहीं बनाए थे। अब जितना क्वेश्चन हो यहां पर बस देखना है कि अगर ये माइनस है तो आंसर माइनस वाला होगा, और हमेशा स्क्वायर करके प्लस करना। अगर ये प्लस है तो प्लस वाला होगा, हमेशा स्क्वायर करके प्लस करना। तो प्लस के आंसर प्लस और माइनस के आंसर माइनस, बस ये ध्यान, ठीक है ना, मिटा दो। लिखो 13 माइनस फोर रूट थ्री, 13 माइनस फोर रूट थ्री, चार ऑप्शन, लिखो 1 प्लस रूट फाइव, दिख रहा होगा रेड कलर है, ओके, 2 रूट टू माइनस 1, बताएंगे इसके आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा, बोलिए प्लीज। देखिएगा, सबसे पहले माइनस है, प्लस वाला काट देंगे, बोलिए कट गया जी, मेरे को आंसर तो पता है लेकिन जान के मैं नाटक करता हूं, लास्ट में आता हूं जगह पर। अब इसके स्क्वायर करके हम प्रूव करना चाहेंगे, तो दो रूट दो के स्क्वायर कितना होता है, आठ होगा, और दो के स्क्वायर चार, और चार दूना कितना हो गया आठ, और एक के स्क्वायर एक, तीन बजे का टाइमिंग बता रहा शायद, हाँ ठीक है ना, हाँ, दो के स्क्वायर कितना चार, चार दुना कितना हो गया आठ, और एक के स्क्वायर एक, तो आठ और एक कितना हो गया नौ, फेल हो गया सीधे सीधे, दिख रहा है वो तो सीधे यहां पर दिख रहा है। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर, देखो इसका दो रूट थ्री का स्क्वायर, अब प्लस करना है, ये नहीं, इसे मतलब नहीं हमें करना, क्योंकि एस अब क्या छोड़ो रहना, ज्यादा डीपली हो जाएगी, क्या करना है प्लस करना है, इसका कितना हो जाएगा चार, और चढ़ती है कितना होगा बारह, अरे भाई दो के स्क्वायर चार, रूट थ्री के स्क्वायर तीन, चढ़ती है बारह, अब बारह और एक कितना हो गया तेरह,
12 और 1 कितना हो गया 13। ये नहीं कहना कि यहां पर माइनस से प्लस कर रहे हो, हम प्लस ही करेंगे हमेशा, ठीक है ना। ये होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर भी होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और a प्लस बी द होल स्क्वायर रहेगा तब भी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो ये दोनों क्या होता है, दोनों में प्लस होता है, इसलिए हम प्लस करते हैं। कभी कंफ्यूज मत होना क्यों करते, हमेशा हमें ये क्या करना है, माइनस है तो माइनस वाला ही आंसर होगा। 2 रूट 3 के स्क्वायर कितना हो गया 12, देखो भाई 2 के स्क्वायर 4 और रूट 3 के स्क्वायर 3 चढ़ती है कितना हो गया 12, और 12 और 1 कितना हो गया 13 आ जाएगा। कोई भी इसमें का क्वेश्चन तो कर लो, मिटा दीजिए। कुछ कुछ करंट अफेयर्स आजकल थोड़ा सा चेंज होके आ रहा है, तो पूरा तैयार कर दिया हूं तुम लोगों के लिए क्लास में, एकदम हिसाब से आप लोगों को 2-3 दिन में पूरा करा दूंगा, जितना क्वेश्चन है पेपर पास करवा देना आपकी पर, है ना। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखेंगे 76 + 10√3, 76 + 10√3, ठीक है जी। अब चार ऑप्शन है, बता देना, अपने मर्जी से नहीं दूंगा, जो आया वही दूंगा। 5√2 + 1 चेक करते रहना, 5√3 + 1, 5√5 + 1, और एक है मेरे भाई 5√5 - 1, आप लोगों को दिख रहा होगा बी। अब मैं जानकर गलती करूंगा, देखो ये प्लस है तो माइनस वाला तो नहीं होगा, ठीक है जी। अब देखिए इसके स्क्वायर करके देखिए, 5 के स्क्वायर 25, अब 25 + 5 = 125 हो जाता भाई, ये पहले ही ज्यादा हो गया, 76 से ज्यादा हो गया। अब ये देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब 25 दूना कितना होता है 50, ये ऐसे ही गड़बड़ हो गया। अब ये हो गया 5 के स्क्वायर 25, अब 25 दिन कितना हो गया भाई 75, और 1 के स्क्वायर 1 = 75 = 76 आ गया समझे। तो इस तरीके से हो जाएगा बी आंसर। आइए नेक्स्ट, 33 - √35, 4 ऑप्शन, बता दो मेरे भाई बी है। इतना जल्दी कैसे बता दे रहे हो लक्ष्मण, तुमने खाली माइनस देकर बता दिया। अच्छा इसमें ऐसा मिल गया, अच्छा जी अभी 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 मैं अब समझ रहा हूं, ठीक है ना। हाँ ये माइनस के चलते, और प्रूफ करके भी देख लो तब ऐसी बात है तो है? आ गया, ये क्या लिखा है √7 लिखा है, 2√7, पेन ऐसे था तिरछा में 2√7, इसके स्क्वायर करो अब प्लस √5 का स्क्वायर करो, ठीक कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 4 × 7 कितना होगा 28, अब प्लस 5 चेक भी कर सकते हो। आगे देखो 2√35 हो जाएगी नहीं, अब मैंने बताया कि 2 से भाग देने वाला 2 कम आता है, 2√35 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो, समझ में आ गया। चलो बढ़िया, ये तो मिल गया अलग ही हिसाब, है ना, कोई बात नहीं। अभी और आ रहे, मटा दूं, दोस्त कहाँ गया तुम्हारा है? 3-4 थे ना एडमिशन कराए थे, खाली तुम ही आ रहे हो। कौन कौन? अच्छा कुलदीप, हाँ
एक कुलदीप बता रहे हो, एक और लड़का आता है, एक हंस आता है वाला कौन है? अच्छा उसका नाम गौरव। आइए इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे, 139 माइनस 80 रूट 3 और आंसर बताएंगे। चार ऑप्शन है जी, लिखिए 5√3 माइनस 8, बताना देखता हूं स्पीड में कौन बता रहा है। 5√3 प्लस 8, ये बोलिएगा आंसर। बोलो प्लीज बताएं। ए मौसा देखिएगा, ये माइनस है तो प्लस वाला काट दिया जाए तो ये तो होगा ही नहीं। अब बड़ा तो यही दिख रहा है तो ज्यादा छोटा है, क्योंकि देखो ये 5 के स्क्वायर 25 दूना 50 और 3 के स्क्वायर 9 तो 50 9 59 होगा, वहां पे 139 लाना है तो ये फेल हो गया। 5 के स्क्वायर 25 25 3 75 अब 75 8 के स्क्वायर 64 ये कितना होता 75 64 139 और चेक भी कर सकते हो आगे भी, मैंने बताया था ये 40√3 हो जाएगा क्योंकि 2 तो कम रहेगा। मैंने बताया हो गया ना, इसके आंसर क्या होगा? बी होगा, ए होगा, ठीक है ना। माइनस से तो माइनस वाला बताना है, प्लस होगा तो प्लस। अच्छा ये कुआं है, हमने तो समुद्र सुना था। हो गया भाई, हो गया। कुआं है, जितना पानी निकालोगे गंदा निकलते रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे भाई, लिखिएगा 52 + 30√3 30√3 लिखिएगा। चार ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी बताना मेरे भाई। ए कैसा होगा बता ना सर जी, ए इसका आंसर। ए पक्का? गारंटी दे रहे हो? यस सर। ए है, चलो कह रहे हो तो मैं मान जाऊं तुम्हारी बात। कैसे बताओ, इसके स्क्वायर करो 9 3 27 और 5 के स्क्वायर 25 27 और 25 52, क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां पर मिलेगा वर्गमूल ऐसा जिसमें यहां पर 2 नहीं होगा, माने 2 का फैक्टर नहीं होगा, तो थोड़ी दिक्कत होती है, उसको और आसान तरीका से बताऊंगा। यहां पर 2 नहीं होगा, जैसे आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन है, फिर नाम ले लिया यार, 3 प्लस, ठीक है ना, ध्यान रखना 3 + √5 और इसमें 2 नहीं होता है तो उसको एक्स मान के बहुत लंबा, लेकिन इसकी भी सारा क्वेश्चन का ट्रिक बताऊंगा, ध्यान रखना। हो गया, चलेंगे तो अब क्वेश्चन देख रहा हूं जिसमें क्या नहीं रहेगा यहां पर 2, उसका क्या ट्रिक है ये भी बताऊंगा। जैसे लिखिएगा क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन है 38 + 5√3 यहां पर 2 नहीं रहेगा, यहां पर 2 नहीं रहेगा, समझिए क्या करना होता है। ऐसे क्वेश्चन की पहचान बताता हूं, यहां पर 2 नहीं है तो सोचो कि अगर इसको सॉल्व किया जाए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 2 से भाग भी देनी पड़ेगी, है ना। सॉल्व करने की तरीका छोड़ो, सीधे ट्रिक पर आ जाओ। करना क्या है
कि यहां पर जब दो से कटने वाली कोई संख्या नहीं होगी तो बट्टा में सबको दो होनी चाहिए। एंसर में सबसे पहले क्या होनी चाहिए? दो होनी। और वर्गमूल निकाल रहे हो तो रूट दो होनी चाहिए। ये बात है, तो सब में रूट दो है, पहली बात तो ये पहचान है। जब यहां पर दो नहीं होगा तो यहां बट्टा में दो मतलब रूट दो होनी चाहिए, पहले तो एक क्लियर याद कर रखे। दूसरी बात, वही सेम पोजीशन, प्लस तो प्लस वाला आंसर होगा, माइनस वाला तो कट जाएगा। ठीक है जी, तो माइनस वाला इसमें कितना है? दो, ये कट गया। इसके बाद क्या करना है कि जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे, जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो इसका डबल आनी चाहिए, बस इतना ही देना। ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर होगा आंसर जो भी, तो इसका क्या आएगा? डबल, या इसका ये हाफ बात देखिए, मैंने इसका क्या होनी चाहिए? डबल, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहां पर, देखेंगे पांच के स्क्वायर कितना होता है, 25 दूना 50 और 1 51, 38 का डबल 76 होता है, दिख रहा है सीधे आंसर क्या होगा? 5 के स्क्वायर 25, 25 3 75 और 1 के स्क्वायर 1 75 1 76 38 का डबल है कि नहीं, ये बताओ। तो ये आपका आंसर हो गया, बस मिटा दूं क्या भाई? क्या भंडारा चाहिए अब ना होए? मेरे को एक चीज बुरा लग गया यार, आज दिन खराब हो गया, बहुत लॉस। दिन सही होनी चाहिए, धूप निकला 3-4 दिन, मजा आ गया, हो गया चले। रोहित हो गया भाई, मिटा दूं बताओ, मिटा दूं रोहित? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। 26 प्लस, अब आप लोग बताना एकदम स्पीड में, आंसर बताओ। इसने डायरेक्ट कह दिया ए। ओए तू तो एकदम चमत्कार हो गया भाई, वाह वाह, लाओ कैमरा लगाओ, कैमरा लगाओ इनके मुंह में लगाओ, पूछो कैसे बता आंसर, आंसर कैसे आपने कैसे बता दिया हैं, ये बताइए आप कैसे बता देते, कुछ भी बता देते हो, बोलो रोहित के मामा का नाम बता दो, अभी चमत्कार हो जाएगी। विजय नाम है मामा का, नाम है सच के, इसने बता दिया, ओ बाबा चमत्कार है, बाबा की जय हो, बढ़िया एकदम। रोहित के कितने भाई है बता दो? एक ही है, एक ही है, हाँ चलो चमत्कार। ये मिले हुए हैं पहले, पीछे कैमरे के पीछे बात हुई है इनकी, क्योंकि ये जो कह रहे पंडित जी वो सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन दोनों कस्टडी मिले। चलो आजकल इतना चमत्कारी चल रहा है, अगर कहीं खिलाफ बोल दिए तो आज आके उखाड़ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सुन नहीं, मैं इतना ही बोल दिया काफी, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मेरी विचार सही है। अरे तेरे से क्या थोड़े बोल रहा हूं। बताएंगे इसके आंसर क्या होगा भाई? अच्छा पहला ए, जो बाबा की जय हो, ठीक है ना, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा और इसका कितना होगा? 25, 27 25 कितना होगा? 52, 26 का डबल है तो ये हो गया आपका। समझ में आ गया भाई? किसको चाहिए? चलो अभी बात करता हूँ, अभी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। Thank you.
आइए तो फिर यही सेम क्वेश्चन मिल गया, ये पेपर का क्वेश्चन सेम मिला, ये मैंने पीछे कराया था अभी जस्ट। यदि x बराबर 7+4√3 पूछा गया SSC में, तो रूट एक्स का मान, और ऑप्शन देखो ये किस तरीका से लिखा है इसका, थोड़ा ये शायद अभी करा दिया था। एक ऑप्शन है एक, एक है जीरो, एक है 2-√3, एक है 2+√3। देख लो भाई SSC में आया वो क्वेश्चन है, मैंने करा दिया, मैं ढूंढा तो वही मिल गया सेम, तो ये सब तो नहीं होगा। हाँ सीधे डी हो गया, ठीक है जी। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, एक्स बराबर 11+6√2, एक ये है भाई, ठीक है ना, ये है और पूछा है तो रूट एक्स का मान बताए, मैंने क्या होगा, चार ऑप्शन यहां भी है, ठीक है ना, एक है 2-√3, एक है 3-√2, एक है 3+√2, डी में दिया है 0। देख लो भाई ये होगा, माइनस वाला तो खत्म हो गया, ये कितना होगा, 3 के स्क्वायर कितना होगा, 9, और 2√2 के स्क्वायर 2, 9 2 कितना हो गया 11। ये है क्वेश्चन, 2 मिला। क्या अभी जो पीछे क्वेश्चन पढ़ाया था ना वही सेम है, पहला क्वेश्चन वही है, तेरे क्वेश्चन मिटा रहा हूं तो दिल में लग रहा है ये कौन सा है, कोई बात नहीं, लिख अभी लिख दूंगा, अभी लिख दूंगा, घबराओ मत। अब लेकिन नेक्स्ट टाइप का, इसमें दो टाइप बनता है, लिखिए 2 के पावर 150, लिखिएगा 250 और कम, अरे लिख दो कुछ भी सब चलेगा, 3 के पावर 150 और 4 के पावर 200, 4 के पावर 200, ठीक है ना, इसमें सबसे छोटा बताना है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ललित बाइक की चाबी कहाँ है, पल्सर की, लेके उसको सामने वाले दे दो, कहने सर जी कहें बढ़िया से एकदम जा दे दो, हाँ धो दे, हाँ कहते वो तो पहचान ही रहा है बाइक को, एक बार बता देना सर जी ने बोला, ठीक बताएंगे इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, और कहना हवा वा सब चेक कर लेगा क्योंकि आज से बाइक उधर जाएगी ना, बताएंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटा बोलिएगा, देखेंगे कैसे करना है भाई, एक संख्या देखना बड़ी से बड़ी जिससे तीनों कट जाए, 50 है, 50 से तीनों कट जाएगा, 50 से 5 बार में, ये 3 बार में, और ये कितना बार में, 4 बार, तो 2 के पावर 5 कितना होता है, 3 के पावर 3 27, और 4 के पावर 4 256। अब देख लो सबसे बड़ी कौन होगी और सबसे छोटी कौन होगी, बात ध्यान रखना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 50 से कटा 5 बार में और ये 3 बार में और ये 4 बार में, 2 के पावर 5 32 होता है, 3 के पावर 3 27 और 4 के पावर 4 256, ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन होगी, 4 के पावर, और सबसे छोटी कौन होगी, 3 के पावर 2। आइए अब हम लोग को पढ़ना था रूट वाला, ये इसलिए दिखा दे कि एक इसमें भी आता है एक रूट में, तो रूट वाला अब दिखाता हूं, जैसे क्वेश्चन कैसे रहेगा लिखिएगा, दो तीन चार ऐसे दे रखा है रूट में, अब यहां चेंज क्या किया मैं बताऊं, 2 वाला में लगाया 3 बताना ऐसे, और इसमें बताना है सबसे बड़ी,
क्या बताना भाई, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बताइए, सबसे बड़ी। ठीक है भाई, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कैसे करना है, बहुत शॉर्ट में बता दूंगा लेकिन थोड़ा सल करके बता रहा हूं। देखिएगा, ये वाला जो तीन दिख रहा है, ये वाला इधर का नहीं बोला, ये वाला, और यहां पर कुछ नहीं है तो वहां क्या है, दो तीन, इसमें है दो और इसमें है तीन, ये तीन दिख रहा है, यहां दो है कुछ नहीं होता है, यहां तीन है, एलसीएम कितना हो गया, बस इतना काम करना है। और जो रूट के अंदर की संख्या उसे पहले लिख लो, दो लिख लिए, ये क्या लिख लिए, तीन लिख लिए, ये क्या लिख लिए, चार। अब ये जो तीन है ना, तीन से छह में भाग देना, तो यहां दो लिख देना, दो से छह में भाग देना और तीन से छह में भाग देना। अब बताओ ये चार, अब देख लो सबसे बड़ी बड़ी और सबसे छोटी छोटी, अब यहां से जो बड़ा होगा, कौन सा चार बताओ, ये वाला, ये वाला चार, ये वाला है, बी ये हाँ, तो क्या कह रहे हो, इसमें जैसे हम बोलते हैं ना रूट पांच पांच, तो इसका मतलब होता है पांच के पावर एक बटा दो। अभी कहां से आता है, यहां पर कुछ नहीं होता तो एक होता, और यहां पर क्या होता है, लेकिन इसका नाम है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो स्क्वायर रूट ये कोई पहचान नाम ही है स्क्वायर रूट। जैसे हम कहेंगे पांच, तो यहां कुछ नहीं है तो प्लस पांच। अब मैं कहूंगा एक्स गुणे पांच बराबर पांच, तो यहां पर कहेंगे गुणा पांच, क्या है, गुणा पांच, क्योंकि ये गुणा में है तो इसे क्या समझेंगे, ठीक है, ध्यान रखना आराम आराम से। एक और दे देता हूं, क्लियर हो जाएगा। हो गया जी, चलिए क्या क्या कर रही थी इतना देर से, कब से बात कर, एक युग हो गया तुझे इतने लिखने में दिक्कत, हे भगवान। संडे आज बिना खाए पढ़ना चाहिए दिन भर, कैंटीन है नीचे खा लेना। चार देख लो भाई, जिनको डाउट होगा यहां पर मेरे को बहुत परेशान करना, पूरा एकदम जितना परेशान करने की इच्छा। ठीक है, अब मैं जिसको आता है वो बनाए और जिसको नहीं आता है उनके लिए मैं, इधर देख लो भाई, जिनको लगे कि हमें कंफ्यूज है उनके लिए, सबसे पहले आपको ये वाला चार लिखना है, देख लो भाई यही वाला लिखा है, क्लियर, हाँ ये वाला क्या लिखना है और ये वाला क्या लिखना है और ये वाला क्या लिखा है, ये पहले यहां तक बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इधर वाला ये जो तीन चार छह बारह का एलसीएम होता है, क्लियर हो गया। अब इसी तीन से इस बारह में भाग देंगे, कितना बन जाएगा, तो आप लिख लीजिए, आप समझ गए होंगे, इससे इसमें भाग देंगे, आप सोचिए कि इससे इसमें भाग देना है, अब मान लो इससे इसमें देना हो तो एक से तो कुछ हिलने वाला है ना। अब चार के पावर चार कितना होता है, दो सौ, और छह के पावर तीन कितना होता है, दो सौ, पंद्रह के पावर दो कितना, दो सौ पैंतालीस। आप खुद बताओ सबसे बड़ी सबसे छोटी, ठीक है ना, हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, खुशबू बता देना, मिटा दूंगा तभी जब बताओगे, तो लिखो आराम से लिखो शाम तक।
हो गया भाई जी। अब आएंगे एक टाइप और देखेंगे, अब बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा। बताओ इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। देखो जब ये संख्या माइनस में हो तो बड़ी वाली छोटी हो जाती है, और छोटी वाली क्या होती है बड़ी, क्योंकि माइनस में, ठीक है ना। तो माइनस का मतलब कर जिस पर छोटा है वही बड़ा है। तो इसमें देख लेंगे, इसमें बड़ी संख्या ये वाली दिख रही है, लेकिन ये माइनस में है तो इसके कारण ये सबसे छोटी हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या ये दिख रही है तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा सबसे बड़ी। अगर सबसे बड़ी पूछा तो इसके आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है ना। आंसर बताया था मैंने इसका आप लोगों पीछे, देखो बताया था ना कि जो छोटी वाली साइड है उसकी छोटी वाली कल बताया था, और बड़ी वाली साइड का, ठीक है ना। तो ये इसका मान 3 होगा और उसका 2, ठीक है ना। जो छोटी वाली साइड है उसके छोटी वाली, और बड़ी वाली साइड के बड़ी वाली, दोनों का अंतर डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, मिटा दूं देखो। देखो इसको हमने तोड़ेंगे लगातार में 8 गुने
और माइनस है तो छोटी वाली बताए थे, तो इसके आंसर हो गया भाई आठ बट्टा, ये सात गुने आठ में प्लस है तो एक आंसर। ठीक है ध्यान, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री रूट दो, ये तीन बाहर है इसलिए इतना दूर लिख रहा हूं, नहीं तो आप सोचोगे अंदर है, ये थोड़ा सा नजदीक लिखना चाहिए ऐसे, थ्री रूट टू ये बाहर है इससे ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो। थ्री रूट टू, फाइव रूट थ्री, सेवन रूट फोर, एट रूट नाइन, इसमें बोला है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, हाँ यही सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी भाई यही है, ठीक है ना, सबसे बड़ी यही, क्लियर। देखो कैसे, ये दोनों बड़ी दिख रही है, ये तो बड़ी दिख रही है, अब इसमें क्योंकि ये दोनों तो छोटी है, क्योंकि इसमें चार है, इधर नौ है, तीसरे तो बड़ी, ये सात से आठ है, अब यहाँ पर कैसे चेक करना होता है, ये जो सात है और इसके दो निकल जाएगा बाहर, तो कितना हो जाएगा चौदह, और यहाँ पर आठ और इसके बाहर कितना निकलेगा, तो कितना हो जाएगा चौबीस, तो अब देख लो सबसे बड़ी कौन हो, सबसे बड़ी ये हो गई, ठीक है ना, क्लियर हो गया। हो गया, अब इसमें जो कल बताए थे रूट में सारा टाइप बता दिए, ये बता दिए, बाकी इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ना है वर्गमूल निकालना, वो अलग अलग क्लास में कई बार पढ़ाते रहते हैं, मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे कल अपने अपने क्लास में।